भीमा कोरेगांव हिंसा के दूसरे दिन जिस परिवार का घर जलाया गया था, उस परिवार की 19 साल की बेटी की लाश एक कुएं में मिली है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, जिसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय पूजा सकेत की लाश कुएं में मिली है। घटना को लेकर शिकरापुर पुलिस थाने में 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पीड़ित परिवार को घर खाली करने और जान से मारने की धमकी मिल रही थी। मृतका के पिता का कहना है कि 18 नवंबर 2017 को पुलिस में शिकायत भी दी थी। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दंगे हुए और दूसरे ही दिन मेरा घर जला दिया गया। जो लोग मुझे घर खाली करने के लिए धमकियां दे रहे थे, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित का ये भी कहना है कि मामले में अब तक 4 बार शिकायत दी गई है और इसी को लेकर बेटी की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंका गया है। अब देखना होगा कि पुलिस हत्यारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।